अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, ननकाना में एक ऐसा वाक़या पेश आया है और जिसे सुनकर आपका जो दिल है वो दहल जाएगा और दिल दहला देने वाला ये वाक़या है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नौजवान, और ये ख़ास तौर पर ये जो वीडियो ये उन नौजवानों के लिए जो नौजवान सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं और अपना मुस्तकबिल जो है वो भी तबाह कर रहे हैं। ये जो आजकल जो हमारे नौजवानों में इश्क का जो जुनून चढ़ा हुआ है ना, ये उनके लिए वीडियो बहुत अहम है। मैंने अपने 15 साल का करियर में ऐसा वाकया नहीं देखा। ये जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ननकाना में यह वाकया पेश आया है। गुजरांवाला का रहशी हारून नामी ये नौजवान है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, और फ़ोन पर उसकी बात होना शुरू हो गई और जिस लड़की से उसकी बात हो रही थी उसका नाम है जी फौजिया। फौजिया नामी ये खातून है जिसके साथ फ़ोन पर उसकी बात हुई, और फौजिया जो है वो शादीशुदा थी और फौजिया की शादी जो है वो जावेद इकबाल नामी शख्स से हुई हुई है। बहरहाल इनका फ़ोन पर रबता रहा और इसके बाद इनका टाइम बना एक दूसरे से मिलने का, और ये गुजरांवाला से ननकाना ये जो मुतासरा शख्स है ये पहुंचता है। जब ये वहाँ पहुंचा तो उसके घर दाखिल हुआ। अभी ये दाखिल हुआ है तो चंद लम्हे ही हुए थे कि जावेद इकबाल जो कि फौजिया का शौहर है वो भी वहाँ पर आन टपका। उसके साथ एक और शख्स भी था, और जावेद इकबाल जो है उसके हाथ में छुरी थी, या चाकू कह लें या छुरी कह लें। इसने वहाँ उसे जो है वो डराया धमकाया, जान से मारने की उसकी धमकी दी, और इसने वहाँ पे जो हारून है उसे ज़्यादती का निशाना बनाया। यानी कि जो आशिक अपनी माशूक को मिलने गया था तो उसके शौहर ने उसके साथ ज़्यादती कर दी। वहाँ पे ना सिर्फ जावेद इकबाल जो कि ये जो शख्स है जो मुलज़िम है, इसने वहाँ पे ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई। पहले उसके साथ जो शख्स मौजूद था उसने वो वीडियो बनाई मोबाइल पे, और उसके बाद फिर उसने अपनी जो बीवी है उसे कहा कि तुम भी ये वीडियो बनाओ। फिर वो जो खातून है वो वीडियो बनाती रही और उसका जो शौहर है वो उसके आशिक के साथ ज़्यादती करता रहा। ये ज़्यादती जो है वो की गई और उसकी वीडियो बनाई गई, जिसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जो है जो मुतासरा शख्स है ये थाना सदर ननकाना में पहुंचा, और वहाँ पर पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया, MLC बना। उसके बाद क्योंकि हर चीज़ वीडियो भी सामने आ चुकी थी, हर चीज़ सामने थी, तो इसमें जो है वो दफ़ा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत अफसोसनाक ये वाकया है, और ये कि इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ़ सख्त इकदाम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर नसीहत भी होनी चाहिए कि जो नौजवान है हमारे, ये अपना मुस्तकबिल, अपना काम काज सब कुछ छोड़ के सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं और आशिक बने हुए हैं। ये उन जो नौजवान आशिक जो बने हुए हैं ना, उनके लिए वीडियो बहुत है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ये कि बताया ये जा रहा है कि जावेद इकबाल जो है उसने अपनी बीवी को भी डराया धमकाया कि अगर तुम मेरे साथ मेरे सारे काम में साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं, मुझे बड़ी घिन आई और मैं हैरान इस बात पर था कि क्या अभी भी हम लोग उस जहालत के दौर में मौजूद हैं, क्या अभी भी वही जहालत का निज़ाम चल रहा है। हाँ, गैरत की अगर हम बात करें, भाई शौहर था, बिल्कुल गैरत की उसकी बात थी, वो 15 पे कॉल करता ना, उसे पता चल गई, इतला मिल गई, वहीं पर उसे पकड़ता हारून को, 15 पे कॉल करता, पुलिस आती, मुकदमा दर्ज होता। लेकिन जो काम उसने किया, जिस तरह से फिर उसने वीडियो बनाई, ये तो मामला जो है वो कुछ और रंग जो है तरफ जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, जिस अंदाज में उसने वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैंने देखी है, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वो घरों में बैठी जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो देखते हैं। वीडियो बनाने का मकसद क्यों था कि आप जो नौजवान हैं उनकी रहनुमाई हम थोड़ी सी कर सकें, उनको आगाही फराहम कर सकें कि खुदारा बच जाओ, नहीं तो इस तरह के वाकयात फिर आपके साथ होंगे तो फिर आपको जो है वो अकल टिकाने पे लगेगी कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं। और यहाँ दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये है कि जिस तरह से वीडियो बनाई गई है उसमें ऐसा लगता है कि वो वीडियो बनाकर उसको कहीं फरोख्त करने का मामला है, डार्क वेब पर डालने का मामला है, इस तरह की चीज़ें सामने लग ये रहा है जिस तरह से वीडियो बनाई गई है। हो सकता है, मतलब जिस तरह से देखें, अभी वो हारून जो है वो घर में दाखिल होता है और फौरी तौर पर उसका शौहर और उसके साथ एक और शख्स आन टपकते हैं, फौरी तौर पर आ जाते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि उसकी बीवी भी मुलव्वस है अपने शौहर के साथ। इस तरह से ट्रैप किया जाता है नौजवानों को, बुलाया जाता है, उसके बाद उनके साथ ज़्यादती करने के बाद उसकी जो वीडियो है वो वहाँ पर बनाई जाती है और उसे सेल किया जाता है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि
वहाँ पर जो खातून है वो बेगुनाह हो, और लेकिन जो ज़्यादा चांस है यानी कि 70% जो है वो बात वीडियो बनाने वाली और उसे फरोख्त करने वाली और इस तरह से लोगों को ट्रैप करने वाला मामला ही लगता है, लेकिन 30% आप कह लें कि खातून जो है हो सकता है कि वो मुलविस ना हो, क्योंकि खातून जो है वहाँ पर रो रही थी। अब ये तो दौरान इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा कि खातून उसमें मुलविस है या नहीं है, तो क्या ये गैंग चला रहा है इसका शौहर। अगर उसने शौहर ने उसको सज़ा देनी थी, यानी कि सज़ा देने का और भी तरीक़ेकार थे, सज़ा देनी थी तो वो फौरी तौर पर पुलिस को कांटेक्ट करता, 15 पे फ़ोन करता, जी ये बंदा जो है वो इस तरह से मेरे घर में आया है, तो फौरी तौर पर पुलिस जो है वो हरकत में आती और पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करती। अगर हाँ, दूसरी ये है कि अगर आपने अपनी अदालतें लगानी है, आपने अगर देखें हम कह रहे आप ये कहते हो कि जी हारून ने गैर अखलाकी काम किया, शादीशुदा खातून को जो है वो उससे रابطہ किया, बात की, देखें इसमें जुर्म में दोनों, उसकी जो बीवी है वो भी मुलव्वस है और वो हारून भी मुलव्वस है, दोनों यानी कि वो आपस में रابطے में थे। अगर आपने उसको सज़ा देनी थी तो आप वहाँ पे पुलिस को कॉल करते, ठीक है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जो हमें ये लग रहा है वो वहाँ पे जो ये सब वाक़े में जो मुलव्वस है वो जावेद इकबाल और उसका साथी भी है, उसमें वो खातून भी है जिसने वीडियो बनाई है और उसने अपनी उस बीवी को कहा, फौजियों को कहा जावेद इकबाल ने कि तुम वीडियो बनाओ और मैं हारून के साथ जिस तरह से ज्यादती कर रहा हूँ उसकी तुम वीडियो कैप्चर करो, और उस तरह से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो बहुत अफसोस है, हारून के लिए तो नसीहत तो उसे हो गई, लेकिन हारून के साथ ज्यादती जो हुई है ये भी जो है वो बहुत अफसोसनाक है। ये देखें, मैं तो खुद हैरान था कि किस जहालत के दौर में हम रह रहे हैं यार, इतना बड़ा मतलब बहुत अफसोसनाक है। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता, वीडियो चला नहीं सकता, हम मजबूर हैं, और आप हैरान रह जाते। बाकी मैंने वीडियो के शुरू में आगाज़ में ही कहा कि कुछ हमारे जो नौजवान हैं और ख़ास तौर पे वो नौजवान जिनको मतलब देखिए बुरे का बुरा अंजाम है, अगर आप किसी इसमें भी दूसरी राय नहीं है, अगर आप किसी शादीशुदा या गैर शादीशुदा भी हो तो आप मतलब कुछ गलत करेंगे किसी की बीवी के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ, फ़ोन पर बात करेंगे या उससे मिलने जाएंगे, तो फिर आप एक बात याद रखें, आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो हारून के साथ हुआ है वो भी अफसोसनाक है और शदीद मुजम्मत करते हैं हम। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जो है मुकदमा दर्ज किया है, दफ़ा 376 के तहत मज़ीद जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखें, मुलजिम को तो अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर भी बात नहीं है। जावेद इकबाल जो है, जो उसने घिनौना ये काम किया है, उसकी उसे सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। बाकी ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनको थोड़ी सी नसीहत आ जाए और उनको पता चले कि यार तुम लोग किस तरह के काम कर रहे हो, और अंजाम बुरे करोगे तो बुराई का अंजाम यूँ होगा। बाकी जो ये जावेद इकबाल ने किया इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरह से इसने वीडियो बनाई है, और हो सकता है कि इसने कोई गैंग चला रहा हो, कोई ऐसा इसका मामला हो, इस तरह ये उसकी बीवी, वो उसका एक और साथी, ये तीनों बंदे मुलव्वस हों, इस तरह से ये ट्रैप करते हों, नौजवानों को बुलाते हों, उनकी वीडियोज़ बनाते हों, इस पर ही तफ्तीश होनी चाहिए। और साथ साथ जो है वो ये जो मामला है इसमें जितने भी इस केस में मुलजमान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें जी, और वीडियो से मुतल्लिक जो है वो अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें ताकि खबरों का सिलसिला ये जारी रहे और आपको आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो मौसूल होते रहें। अल्लाह हाफिज़।